मसालिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के गुमड़ो पहाड़ से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 5 जनवरी को मसालिया पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गुमड़ो पहाड़ में साइबर अपराधी साइबर क्राइम की घटना को अंजाम देने में लगे हैं। तत्पश्चात वरीय अधिकारी को सूचना किया गया। पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा के निर्देश पर पुलिस उपाध्यक्ष विजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने गुमड़ो पहाड़ से राकेश मंडल, पंकज कुमार और मणिक चंद्र मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तीनों के पास से मोबाइल, एटीएम, प्लैटिनम कार्ड, पेन ड्राइव आदि बरामद किया गया है। तीनों को मसालिया थाना कांड संख्या 3/22 एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कोरोना जांच कराते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गठित दल में पुलिस उपाध्यक्ष विजय कुमार, पुलिस उपाध्यक्ष साइबर जेल शिवेंद्र कुमार, थाना प्रभारी मसलिया ईश्वर दयाल मुंडा, मिथुन किश्कू, गौतम कुमार, दिलीप पाल, अनिल कुमार, सुनील सोरेन, नरेश मरांडी, महेंद्र किश्कू, रसका मरांडी आदि उपस्थित थे। स्वदेशवाणी के लिए केशरीनाथ की रिपोर्ट। इसमें जो आज 3 लोग पकड़ाए हैं, तीनों का अलग अलग रोल है। इसमें मेन है राकेश मंडल, जो लैपटॉप के साथ बैठा होता है। ये क्या करता है, कस्टमर केयर में अपना नंबर डालता है और वेबसाइट पर डाउनलोड कर लेता है। जब आप कस्टमर केयर में बात करेंगे तो आपको उनसे बात होगी। आगे का लिंक करने के लिए इसमें एक पंकज कुमार है, जिसके पास इसके मोबाइल में एक ऐप है जो कि आवाज़ बदल देता है। ये मतलब बात तो ये खुद करता है पर लड़की की आवाज़ आपको सुनाई देगा, वो आपको फंसाता है। उसके तीसरा जो है इसमें मानिक चंद, इसका काम ये है कि जब एटीएम में पैसा आ गया दैट पर्टिकुलर अकाउंट में, तो ये विद इन ए सेकेंड या 5 सेकेंड के अंदर उस अकाउंट से नंबर अमाउंट निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि बैंक भी कुछ नहीं कर सके। बाकी मेन तो ये लोग 3 हैं, लेकिन अभी इन लोगों का ग्रुप का जो मेन सरगना है वो मनोज मंडल, चंदा मंडल, जो जिसको जो ये लोग बता रहे हैं अपने बयान में, उन लोगों के भी पकड़धर जारी है। वो अभी तो नहीं पकड़ाए हैं, पर आप लोगों के माध्यम से यही कहना है किसी भी टाइप का लिंक या आगे वो करता किसी को भी डाउनलोड नहीं करना है, उसके आगे बढ़ना नहीं है। OTP शेयर करना है, अब पुरानी बात हो गई। अब आप लिंक शेयर करेंगे, लिंक डाउनलोड करेंगे तो आपका पैसा चला जाएगा। दूसरा है कि यही लोग क्या करते हैं, इनके ऐप में मोबाइल में एक ऐप है जिसमें कि आवाज़ बदल के, आप भी जानते हैं ऐसा ऐप है हमारे पास, जो कि बात तो लड़का करेगा पर आपसे बात लड़की की होगी। और आप उसको जस्ट यू कांट इमेजिन कि वो जो लड़का है इतना सीधा साधा देखने में लगता है, पर वो फंसाने का काम वो करता था। तीसरा है कि मानिक चंदिए पैसे निकालता था। और यहाँ पे दुमका में थोड़ा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए इन लोगों ने जो ये जो पहाड़ है आपका गुमरो पहाड़, वहाँ चुना था कि कोई भी वहाँ पे सेल आराम से काम करता है। सबके पास 3-4 अलग अलग कंपनियों का सेल है, जो सेल काम कर रहा है उस सेल से काम करता है, फ्रॉड करता है। और इन लोगों का हमको लगता है कि एक का जैसे राकेश का डेली का पेमेंट इसके उसके थ्रू मतलब अथॉरिटी के थ्रू 35,000 रुपया डेली का इसको मिलता था। इसका पंकज मंडल का 15,000 है और ये जो मानिक है इसका 10,000 है। आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी 50,000 इस तीनों को दे रहा है, मे बी और भी लोग होंगे, 50,000 डेली दे रहा है, इनका ट्रांजेक्शन कितने का होगा, सोच सकते हैं आप। 50,000 रुपये प्रतिदिन देखिए, कल दुमका पुलिस अधीक्षक के को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पे एक साइबर का रेड किया गया है, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक साइबर महोदय और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, इसके अलावा मसलिया थाना प्रभारी, मसलिया के अन्य पदाधिकारी जिसमें मिथुन किश्कू एवं पाल जो साइबर के प्रभारी हैं, साइबर सेल के प्रभारी हैं, टेक्निकल टीम के द्वारा गुमरो पहाड़ है जो पालाजोरी और मसलिया का बॉर्डरिंग इलाका है, उस पर रेड किया गया, जिसमें से पहाड़ के ऊपर से वहाँ पे साइबर अपराध करते हुए रंगे हाथ 3 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया, जिसके पास से करीब आधे दर्जन के आसपास से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव्स, ATM कार्ड्स और अन्य सामग्री बरामद की गई है। ये सभी का मॉडस ऑपरेंडी ये रहा है कि अब वो घरों से नहीं करके ये ऐसे निर्जन स्थान जहाँ पे टावर मिलता है वहाँ पे ये बैठते हैं झुंडों में और लोगों को बैंक मैनेजर या जो फाइनेंशियल कंपनी का जो एजेंसी है उनका प्रतिनिधि बनाकर लोगों को फ़ोन करते हैं। दूसरा, इनके पूछताछ से जो जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें ये हेल्पलाइन नंबर में अपने ये फर्जी नंबर को डाल देते हैं और उन नंबरों पर यदि जो इलेक्ट्रिक डिवाइस के द्वारा जो लेन देन करते हैं उसमें कुछ कमी आ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल होते हैं, उसी को रेक्टिफाई करने के ख्याल से
जो भोले वाले कस्टमर्स हैं उस नंबरों पर रिंग करते हैं, और जैसे वो रिंग करते हैं वो उसको एक डिवाइस है जो पैडलर डिवाइस काम करता है एनी डेस्क, और इससे रिलेटेड कुछ और ऐप को डाउनलोड करवाने का वो सलाह देता है, और उसी करी में ये अपराध कर्मी उनके पैसे को उड़ा लेते हैं। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावे पहले भी कई मर्तबा इस चीज़ को अंगीत कर किया हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट भी किया हूँ कि आप कोई भी ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन किसी के द्वारा ऐसा दिया जाता है कि आप ये ऐप डाउनलोड करें तो आपका ये रेमेडी होगा, इस प्रपंच में ना पड़ें, कोई भी जो कॉल है उसको बिल्कुल प्रॉपरली रेक्टिफाई करें, उसको थोड़ी वेरीफाई करने के बाद भी इस प्रकार के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।